वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि प्रीता और करण को अलग करने के लिए एक नया प्लान बनाया जाने वाला है, वो भी नताशा की तरफ से, जहां पर प्रीता की जेलसी को बदलने की कोशिश की जाएगी या पूरी तरह से नफरत में। और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में यहां पर शर्लिन और पृथ्वी मिलकर एक नए प्लान को अंजाम देने वाले हैं। पृथ्वी का प्लान है प्रीता के हाथों से उस नारियल बम को फोड़ना, जिसके बाद में प्रीता पूरी तरह से घायल हो जाए। लेकिन क्या यहाँ पर वो कामयाब हो पाएगा? क्या होगा नताशा का प्लान का? क्या नताशा भी कामयाब हो पाएगी? क्या करण यहाँ पर प्रीता से अलग हो जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल आप सबके मन में आ रहे होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर क्या खास देखने को मिलेगा। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर प्रीता और बाकी पूरा परिवार मिलकर लोहड़ी मनाते हुए नजर आएगा, जिसके अंदर यहाँ पर महेश लुथरा को सब देखकर काफी ज्यादा खुश तो हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर करीना वो अभी खुश हुई हैं थोड़ी बहुत। उसके आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी अब यहाँ पर अपने आप के कैरेक्टर को सही दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर प्रीता को गलत दिखाने के लिए कुछ ज्यादा यहाँ पर अच्छा बनते हुए नजर आएगा। लेकिन उसकी अच्छाई यहाँ पर सिर्फ लोगों तक है। प्रीता को मारने की वो कोशिश करने वाला है एक नारियल बम से, जिसको अब यहाँ पर कैसे रखा जाएगा और यहाँ पर कौन रखेगा, यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्लान बनाया जाएगा। पहले तो यहां पर खबरें आ रही थी कि करीना बुआ की तरफ से यहां पर प्रीता को थाली दी जाएगी, लेकिन नहीं, यहां पर किसी को शक ना हो और उसके साथ साथ यहां पर करण की मां को थाली दी जाने वाली है। यानी कि जैसे ही उसके हाथ में थाली आएगी और उसके बाद में जो इससे वो नारियल फेंकेगी, आग में तुरंत फट जाएगा और वो नारियल पूरी तरह से यहां पर आग बनकर प्रीता के ऊपर बरसेगा। लेकिन अब यहां पर क्या सच में ऐसा होगा? नहीं, यहां पर ये सब नहीं होने वाला। करण और प्रीता दोनों मिलकर यहां पर कर रहे होंगे पूजा। पूजा करते वक्त यहां पर करण को थोड़ा बहुत अजीब तो लगेगा, उसके साथ साथ यहां पर प्रीता के साथ में पूजा करके करण काफी ज्यादा खुश होगा, और वहीं पर आएंगी कोई और नहीं बल्कि करण की मां, और वो देंगे यहां पर थाली जिसमें नारियल रखा होगा। और उसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी गलती होने वाली है एक और प्रीता से, क्योंकि प्रीता अब यहां पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही करण और नताशा को लेकर। नताशा एक बार फिर से वही आपको माहिरा जैसा क्रेजीनेस आपको उसके अंदर देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा अलग होगा। यहां पर वो करण और प्रीता के बीच में गलतफहमियां पैदा कर देगी। गलतफहमियां कैसी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। गलतफहमियां होंगी यहां पर करण और प्रीता के बीच में कि आखिर में नताशा नजदीक आए जा रही है करण के, और करण भी उसे यहां पर काफी ज्यादा भाव दे रहा है। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा यहां पर दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या यह हो पाएगा या फिर नहीं, चलिए उसके बारे में यहां पर आपको कुछ हिंट देते हैं। आने वाले एपिसोड में प्रीता को यहां पर काफी ज्यादा नीचा दिखाने के लिए और प्रीता को जलाने के लिए करण काफी ज्यादा ऐसी चीजें करेगा, जिसके बाद में यहां पर प्रीता को थोड़ी जलन होगी। लेकिन यहां पर प्रीता पता लगाने वाली है आखिर में नताशा कौन है और वो क्या कर रही है घर में, जिसके बाद में नताशा की भी पोल खुलते हुए बहुत जल्दी नजर आने वाली है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो खबर सुनकर कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।